और अभी हम लोग बात कर रहे थे HDFC बैंक के बारे में कि उसने आज बाजार को नीचे लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। स्वाभाविक रूप से अब जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इस शेयर के बारे में भी सोच रहे हैं क्या किया जाए इसमें। तो आलोक श्रीवास्तव जी का सवाल है लखनऊ से कि HDFC बैंक नीचे कहाँ तक जा सकता है, क्या अभी इसे नीचे कहीं खरीदना ठीक रहेगा? देखिए, HDFC बैंक में एक मीन मीडियम वैल्यूएशन आप मुझे पूछेंगे तो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन जब भी एक थोड़ा सा ब्लैक कर्टेन आ जाता है आंखों के सामने, जब मैनेजमेंट खुद ही बोलता है, तो मार्केट कभी कभी इसको थोड़ा सा ओवर इंटरप्रीट भी करता है और इस ओवर इंटरप्रिटेशन के चक्कर में थोड़ी कभी कभी सेंटिमेंट वाली पिटाई भी हो जाती है। तो ओवरऑल देख के तो मुझे यही लगता है कि HDFC बैंक यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे तो फिलहाल नहीं जाना चाहिए। मे बी 1550, 1525 या ये सब रेंज के आसपास थोड़ा बहुत एक बार ट्रैवल कर ले, या मैक्स चला जाए तो 1500 के आसपास चला जाए। इससे ज्यादा अभी अंदाजा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर ओवरऑल करेक्शन की जहां तक बात है, ये करेक्शन का तब तक ओपन रहेगा जब तक से अब ये जो क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है HDFC बैंक पे, ये क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी जब तक नहीं जाएगा तब तक ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात बनी रहेगी। लेकिन अब मैं वैल्यूएशन, अब आप HDFC बैंक को दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो ट्रेडर्स को तो जब तक अब ट्रेंड फिर से सेट नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखना चाहिए अपने आप को। लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है कि वर्स्ट केस अगर वैल्यूएशन भी देखा जाए तो 2.7 टाइम, 7.53 ये सब निकाला भी जाए तो भी 1450, 1475 ये सब रॉक बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन HDFC बैंक का होना चाहिए। अब मार्केट ये फैक्टर करने में लग गया है कि HDFC को साथ में मिलाने के बाद इसके जो P&L पे असर पड़ेगा और जो बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा वो तो वन टाइम की एडजस्टमेंट है, लेकिन मार्केट को साथ में ये भी धीरे धीरे फैक्टर होना होगा कि जो HDFC का मर्जर जिस कारण से किया गया है, जो सिनर्जी लाने के लिए, उसका बेनिफिट भी बाद में जाके होगा। ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट कहाँ खत्म होंगे ये तो वक्त बताएगा। बट अगर आप पूछेंगे कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इन्वेस्टमेंट स्टैंडपॉइंट से, तो HDFC बैंक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैंडिडेट फिर से बन जाता है आपका SIP स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपके पास पेशेंस है, छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदते रहिए और 2 साल 3 साल का व्यू रखिए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होगी। इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद और क्वार्टर के बाद जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री होगी वो ज्यादा मैटर करेगी मेरे अंदाजे से। जी, पहली चीज के जहां पर आज का बॉटम है वो काफी करीब है इससे पहले जो 25 अगस्त के आसपास, 25 अगस्त का ही बॉटम है लगभग 1560 के आसपास का, तो उससे आज का बॉटम काफी करीब रहा है। तो अगर इसके नीचे फिसलता है तो क्या होगा, अगर इसके नीचे नहीं जाता है तब फिर इसमें क्या स्टांस लेना चाहिए? इन दोनों तरीकों से सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए शायद। देखिए, ये जो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर है इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीड नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपके पास जो 1550 का लो है वो एक सैक्रोसेंट लो है, ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कारण ये है कि आप जैसे इस लो की बात करने लगेंगे तो फिर हिस्ट्री आपको आके बोलने लगेगा कि फिर आपके पास एक 1500 का गैप भी क्रिएट किया गया है। आप 1500 के गैप के पास जाएंगे तो फिर कोई रिट्रेसमेंट थियरी लेके आएगा कि वहां तक रिट्रेस किया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से HDFC बैंक का अब बहुत देखिए, रिट्रेसमेंट तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं चार्ट पे, 38% जो रिट्रेसमेंट है, 38.2, उसके आसपास ही ये कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले कई महीनों से। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल थियरीज आ जाएंगे, एक थियरी नहीं आएगा यहाँ पे। किसी को अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए तो अब कोई क्लियर कट मार्क है, वो मार्क ये है कि आज का जो ओपन प्लेस है 1600 का करीब करीब, ये 1600 के ऊपर में जब तक HDFC बैंक नहीं जाता है तो ये ट्रेडर के लिए थियोरेटिकली सेलन राइज बन जाता है। और नीचे में अगर इमीडिएट बॉटम टूट जाता है विच इज 1560 का, तो ये हो सकता है ट्रेडर को 30, 40, 50 रुपए और खेलने के लिए नीचे में ही जगह दे। तो 1600 के नीचे में बुक के हिसाब से तो HDFC बैंक शॉर्ट ट्रेड बनता है।
लेकिन साथ में भी देखना है कि यहाँ पे थोड़ा न्यूज मिक्स्ड है यहाँ पे, और वो न्यूज इतना भी नेगेटिव नहीं है कि एचडीएफसी बैंक को इतना बुरा करार दिया जा सके, लेकिन तरीका ये कहता है कि 1600 के नीचे एचडीएफसी बैंक को आपको नेगेटिव लेके चलना चाहिए। जी, तो जब तक इस गैप के अंदर नहीं घुसता है जो ये गैप आज का बना हुआ है, तब तक आप कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव स्टांस लेकर के ही चलना चाहिए, खास करके जो ट्रेडर्स हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिहाज से क्या हमें नीचे के भाव मिलेंगे, नीचे के भाव मिलेंगे तो कहाँ पकड़ना है? क्योंकि आलोक जी इसी लिहाज से सोच रहे हैं, उनका सवाल इसी पैटर्न पे है कि नीचे खरीदना है तो कहाँ खरीदना है। फिर से वही आता है कि 1600 के नीचे एचडीएफसी बैंक का डाउनसाइड ओपन हो जाता है अप अंटिल 1450। अब ये 1500 पे रुकेगा कि 1450 पे रुक जाएगा, ये तो एस्टिमेट अभी नहीं किया जा सकता। तो फिर आपके पास रास्ता क्या है एज इन्वेस्टर? आपके पास रास्ता एज इन्वेस्टर ये है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में एसआईपी कीजिए स्टॉक में, और आराम से 2 साल का अपने आपको वक्त दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस लेवल पे एसआईपी स्टॉक में किया जा सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि 5% का मार्कर बना लीजिए, उस रेंज में कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप है, लार्ज कैप में 5% से ज्यादा लेना नहीं चाहिए डिफरेंस। या फिर आप एक लेवल करंट लेवल है सपोर्ट का, तो पहला ट्रांच यहाँ हो सकता है। दूसरा लेवल सपोर्ट का 1500 के आसपास हो सकता है, तो दूसरा लेवल ट्रांच 1500 के पास बन सकता है। तीसरा 1450 के पास हो सकता है। तो ऐसे ऐसे 50-50 रुपए का इसका रेंज बनता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत ऐड करते रह सकते हैं। और मैं हमेशा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट या तो रिवर्सल क्लियर होने के बाद रखता हूँ, ऐड करता हूँ, या फिर उसको बचा के रखता हूँ। लेकिन ये तो शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इन बिटवीन 1400-1600 अगर एचडीएफसी बैंक का एक्युमुलेट किया जाए और लेस देन 1500 का एवरेज प्राइस रखा जाए, तो 2 साल में जितना बुक वैल्यू ऐड होगा इसमें, उसमें फायदा नहीं होगा। इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता, जबकि ये सप्रेस्ड वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। जी, साथ में क्या ये माना जा सकता है कि इस समय जब बाजार में बाकी सब चीजें काफी अच्छी चली हैं और एचडीएफसी बैंक काफी समय से, मतलब इसी मर्जर के चलते, एक दबाव के अंदर रहा है, और अब इस खबर के बाद या एनालिस्ट मीट में जो टिप्पणियां आई हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से, उसके असर में ये अगर इसमें गिरावट मिलती है तो इसे एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में समझा जाए, एक मौके के रूप में देखा जाए? एज इन्वेस्टर मैं इसको हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। कारण सबसे पहला कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म में निफ्टी बैंक इंडेक्स 8000 दिखता है, तो क्या बिना एचडीएफसी बैंक के जाए? सवाल ही नहीं है। तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, जो कि दिक्कत है, नहीं होती। दूसरी चीज, जब खरीदने का वक्त होता है तो फिर हमें तौलिया ओढ़ के बैठ जाना होता है, गिरते में डर लगता है। वो काम नहीं कीजिएगा तो पैसा बनेगा, अगर ऐसे अच्छे फंडामेंटल काउंटर्स में। चढ़ते हुए में खरीदना बड़ा आसान होता है, लेकिन मेन पैसा जो आपका बनेगा, अगर आप सही सही जगह पे थोड़ा थोड़ा उसको ट्रांचेज में खरीदें और आराम से पेशेंटली वेट करें, 2 साल का आप टाइम दीजिए। हो सकता है आपको 2 महीने का रिटर्न मिल जाए, लेकिन आप उसको टाइम दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे अभी 1566 पर है एचडीएफसी बैंक, 50-50 रुपए लगभग मोटे तौर पे, पहले 1500 और फिर 1450। 1450 जो आपने बताया सुमेश, वो दरअसल एक इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से भी है कि जो ये पूरी रिट्रेसमेंट है, इसमें 61.2% रिट्रेस 61.8% रिट्रेसमेंट यहीं पे आ रहा है। उसके अंदाजे से भी काम कर सकते हैं। देखिए, रिट्रेसमेंट भी अपने आप में कभी ओवरशूट अंडरशूट होता है, लेकिन ये एक काइंड ऑफ लेवल तो आइडिया दे ही देता। बिल्कुल, तो इन स्तरों का ध्यान रखें आलोक जी, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, पूरा एक कहा जाए कि 360 व्यू आपको यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के बारे में बता दिया गया कि क्यों आपको इस पर भरोसा रखना चाहिए, और अगर नीचे जाता है तो कैसे इसमें खरीदारी करनी चाहिए निवेश के नज़रिए से।